catches off in style. A magnificent strike into the crowd. India, this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. A shot of an emperor. आज का मैच है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, वह बांग्लादेश जो पहले भी टीम इंडिया को कई बार उलट फेर का शिकार करवा चुकी है। साल 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड कप था, टीम इंडिया की टीम जो बहुत तगड़ी मानी जा रही थी, लेकिन ग्रुप लेवल से ही लीग स्टेज से ही टीम इंडिया को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, क्योंकि बांग्लादेश ने हमें हराकर बाहर कर दिया था। वो पहला उलट फेर था टीम इंडिया का इस वर्ल्ड कप में, और सामने थी बांग्लादेश, और उसके बाद से बांग्लादेश कई अहम मौके पर टीम इंडिया को मात दे चुकी है। उलट फेर का इतिहास जो है वो थोड़ा सा पुराना रहा है, टीम इंडिया को बचना होगा, और कौन कौन से वो पांच कारण है जिसकी वजह से टीम इंडिया को बच कर रहना पड़ेगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि बांग्लादेश की टीम में कई सारे ऑलराउंडर हैं, बांग्लादेश की टीम में कई सारे मल्टी डायमेंशनल खिलाड़ी हैं, चाहे मेहंदी की बात की जाए जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी, चाहे साकिब अल हसन की बात की जाए जो बल्ले और गेंद दोनों के साथ कमाल करते हैं, चाहे महमूदुल्लाह और मेहंदी हसन की बात की जाए जो बल्ले और गेंद दोनों के साथ शानदार प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है मुस्ताफिजुर, देश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के लिए भारत के खिलाफ हमेशा कमाल की बॉलिंग की है। आपने पहले दो वनडे में देखा ही है कि उन्होंने भारत के खिलाफ 11 विकेट लिए थे, और 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, और वो ऐसा करने वाले पहला बांग्लादेशी गेंदबाज बने थे, इस वजह से उनके खिलाफ थोड़ा टीम इंडिया को बचना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर है उनकी स्पिन में विविधता, बांग्लादेश की स्पिन गेंदबाजी काफी शानदार रही है, और उनके पास दाएं और बाएं दोनों हाथ के बेहतरीन स्पिनर हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो कप्तान साकिब अल हसन का ही है, इसलिए बांग्लादेश का फैक्टर बहुत ही अहम फैक्टर होगा। चौथा फैक्टर, अभी हाल ही में भारत एशिया कप में बांग्लादेश से हार गया था, यानी कि हम हार के साथ मैच में आ रहे हैं, वो जीत के साथ मैच में आ रहे हैं। टीम इंडिया को थोड़ा बचना पड़ेगा, और क्या लगता है आपको कि आज का पलड़ा किस पर भारी दिखाई दे रहा है, और आज का मैच कौन जीत रहा है? फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रोजाना आपसे मुलाकात होती रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।